नारकोटिक्स के खिलाफ विशेष मुहिम के अंतर्गत अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल तथा वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास खोड़गे की टीम ने 1,12,00,000 रुपए की कोकीन और एमजी ड्रग्स पुलिस थाने शहर के घोड़बंदर रोड में आनंद नगर में स्थित दिबाइक सूरज प्लाजा होटल के सामने से एक युवक के पास से बरामद की है। इस युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक ह्युंडई i20 कार, 6 मोबाइल फोन्स और 1 वजन कांटा का कुल ड्रग्स जिसकी कीमत कुल मिलाकर 1,17,38,360 रुपए के समान है। पुलिस के अधिकारियों के अनुसार यह युवक नाइजीरिया का रहने वाला है। मुंबई और थाने शहर में यह लोगों को कोकेन और एमडी ड्रग्स बड़े पैमाने पर बेचा करता था। थाने पुलिस आयुक्तालय के घोड़बंदर रोड इलाके में क्राइम डिटेक्शन टीम की गिरफ्त में आया यह आरोपी जो 30 वर्षीय है, उसका नाम डिक्शन चिडीवर इचे बताया जा रहा है। यह आरोपी जो मुंबई के चांदीवली इलाके में रहता है, मूलतः यह नाइजीरिया का नागरिक है। थाने गुने अन्वेषण विभाग की पुलिस ने इस ड्रग सप्लायर के पास से 1,12,00,000 रुपए का कोकेन और एमडी ड्रग्स बरामद किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अशोक मुराले ने जानकारी दी कि डिक्शन इजे नामक यह ड्रग सप्लायर मुंबई और थाने शहर के घोड़बंदर रोड में आकर लोगों को कोकेन और ड्रग्स बेचा करता था। यह नाइजीरियन युवक बिजनेस वीजा के आधार पर पिछले 1 वर्ष से मुंबई में रह रहा था। ये थाने शहर में नारकोटिक्स और अमली पदार्थ के खिलाफ जो एक हमने विशेष मुहिम चलाई है एक्शन, पिछले कई दिनों से हम बहुत सारी कार्रवाई कर चुके हैं। इसी अंतर्गत हमें एक इन्फॉर्मेशन गोपनीय माहिती मिली थी जो कि हमारे DCP पाटिल साहब और PI गोडके साहब और उनकी टीम, उन्होंने वर्कआउट करके एक नाइजेरियन को पकड़ा। एक सस्पेक्ट नाइजेरियन मिला घोड़बंदर रोड पे और उसके पास कुछ MD और कोकेन बरामद हुआ। फिर आगे जाके थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया तो उसके पास 274 ग्राम कोकीन मिला और 60 ग्राम MD मिला है। और अभी तो उसको अरेस्ट करके उसका PCR लिया गया है। वो चांदीवाली में मुंबई में रहता है और अभी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये 1 साल से यहाँ बिजनेस वीजा पे रहता था और मुंबई में वैसे एक गुनाह भी दाखिल है इसी तरह का। सर, क्या इसके पीछे कोई ज्ञान है? वो इन्वेस्टिगेशन में अभी पता लगेगा। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। सर, अमली पदार्थ का थाने में और कोई रैकेट चल रहा है क्या आपके? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आगे आएगी वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारे आज की खबर। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए HM News के साथ।